चलिए आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सब्जी बिना प्याज लहसुन के। कढ़ाई में रिफाइंड तेल लेकर उसी में पनीर डालेंगे। पनीर को थोड़ी देर धीमी आंच में थोड़ी देर पलटेंगे। उसके बाद उसको निकाल कर पानी में डाल देंगे। देखिए हमारा पनीर हो गया, आपको उसको पानी में डाल देंगे। पानी में डालने से नरम होगा। उसी ऑयल में आप आलू लेकर उसको भी फ्राई करेंगे। उसी में हल्दी पाउडर नमक डालकर उसको थोड़ी देर भुनेंगे। वो सॉफ्ट होने तक उसको भुनेंगे। आप चाहो तो आलू नहीं ले सकते, सिर्फ मटर और पनीर से बना सकते हो। थोड़ी देर उसको भुनने के बाद हम इसको बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं। देखिए आलू हो गया, हम इसको निकल देंगे। उसके लिए मसाला तैयार करेंगे। कढ़ाई में अदरक, काजू, दो हरी मिर्च और टमाटर डालकर उसको सॉफ्ट होने तक भुनेंगे। देखिए थोड़ी देर भुनने के बाद देखिए टमाटर सॉफ्ट होने तक उसको भुनेंगे। सॉफ्ट होने तक उसको ग्राइंडर में निकाल कर ठंडे होने के बाद उसका प्यूरी बना देंगे। उसी कढ़ाई में और थोड़ा सा तेल लगाकर उसी में खड़े गरम मसाले और एक तेज़पत्ता डालकर उसको थोड़ी देर भुनेंगे। उसी में हमें जो पेस्ट बनाया था मसाला का उसको डाल देंगे। उसको थोड़ी देर भुनेंगे। कम समय पर ये रेसिपी बन सकता है और बहुत अच्छा होता है। देखिए तेल निकलना शुरू हो गया। अब उसको थोड़ी देर भुनेंगे। उसी में मटर डाल देंगे। मटर को उबाल के डालोगे तो थोड़ी देर में हो जाएगा, कच्चे डालोगे तो मसाले में थोड़ी देर पकाना पड़ेगा। उसी में थोड़ा सा पानी डालकर उसको धीमी आंच में पकाएंगे 5 से 10 मिनट तक। उसी में हम खड़े और मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और मटर पनीर का मसाला। सारे चीज़ों को धीरे धीरे से भुनेंगे स्लो गैस में 5 से 10 मिनट तक। मसाला लग रहा है इसी में थोड़ा सा पानी देकर हम उसको 5 से 10 मिनट तक भुनेंगे। ये बहुत सा सिंपल सा रेसिपी है, कम समय में बन सकता है और बहुत ही टेस्टी होता है। मसाला हो गया था, उसी में हम आलू डालकर उसको भुनेंगे। आपको जैसे मेरे रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। उसी में थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। आलू पकाने के बाद उसी में पनीर डाल देंगे। पनीर को थोड़ी देर भुनेंगे। उसके बाद उसी में हम आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसमें मुताबिक आप पानी डालोगे। देखिए हमारा मटर पनीर की रेसिपी बहुत सा सिंपल सा रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है। उसी में थोड़ा सा कस्तूरी मेथी घिस कर डाल देंगे। देखा हमारा यम्मी सा मटर पनीर की रेसिपी। एक बार बना के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा।